मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में पूर्व अजाक्स संघ के कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क मेला मैदान के पास पाली रोड पर एकत्रित हुए, जहां से अजाक्स संघ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पैदल निकलकर श्योपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार संजय जैन को मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन सौंपा। जहां ज्ञापन के माध्यम से अजाक्स संघ ने बताया कि आपने अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन भोपाल में घोषणा की थी कि बैकलॉग पदों की पूर्ति युद्ध स्तर पर की जाएगी, किंतु शासन द्वारा आज तक बैकलॉग पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति अधिकारी को निर्देशित किया जाए, एक माह के अंदर विज्ञापन जारी कर प्राप्त आवेदनों पर एक सप्ताह में परीक्षण कर मेरिट के आधार पर नियुक्ति हेतु आदेश जारी करे, जिससे मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास के साथ ही उत्कृष्ट राज्य बनने में सहायक सिद्ध हो सके। वहीं आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को तत्काल बंद कर आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य में आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू किए जाने के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आरक्षण सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए जाने की मांग रखी गई। इस अवसर पर अजाक्स संघ के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। दूसरे हमारे सफाई मित्र हैं, वो 30-31 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी क्या है, कलेक्टर का भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको भी नियमित किया जाए। ये हमारी मांग है, जो हम यहाँ के जनमानस है उनकी ये समस्या है, जो 20 साल से है, जो आज लोग यहाँ पर अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष एवं ACS महोदय श्री जैन कंसोर्टिया जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में के 52 जिले में अजाक्स द्वारा रैली निकाली जा रही है अपनी मांगों को लेकर, उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए। अजाक्स की मांगें हैं कि पदोन्नति में जो आरक्षण की जो व्यवस्था आज तक लागू नहीं की गई है, जिसमें हमारे SC ST के जो वर्ग के लोग जो लोग हैं उनको A1 क्लास में उपस्थिति नहीं हुई, उनके लिए हम मांग करते हैं। इसके लिए जो बना ड्राफ्ट जो है गोर के लगे जो ड्राफ्ट है उसको लागू करने की अजाक्स मांग करता है। पुरानी पेंशन जिससे हमारे सभी SC ST OBC और यहाँ तक कि UR के लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, लागू करने की अजाक्स संगठन मांग करता है। बैकलॉग में रिक्त पदों पर और टाइम से कोई भर्ती नहीं हुई, बैकलॉग बनता जाता है। हमारे जो SC ST और OBC के लोग हैं उनको नॉट फाउंड सुटेबल करार दे दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, इस तरीके से बैकलॉग बनता जाता है। तो बैकलॉग जो अभी तक बनी है उन पर भर्तियाँ हो, और जो NFS करते हैं नॉट फाउंड सुटेबल का जो तमका लगाते हैं उसको बंद कर दिया जाए, और ऐसी सरकारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठेका पद्धति से जो भर्तियाँ हो रही हैं जिसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, उससे SC ST और OBC के कर्मचारियों की संख्या लगभग 0 के आसपास है, इससे उनका भविष्य और उनको इस सरकार में इस सेवा में सरकारी सेवा में रोकने के लिए ठेका व्यवस्था जैसी पद्धति लाई है। हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसी व्यवस्था बंद करे, अदरवाइज अजाक्स बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करे। देखने में आया कि चाहे कोई सा भी जिला हो, हमारे जो SC ST और OBC और जिन लोगों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं उनको कभी भी एडमिशन के टाइम पे कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती, छात्रवृत्ति एडमिशन के टाइम पे ही मिल जाए 10-20 दिन में, जिससे कि उसका जो उपयोग है उसको साकार करने में सरकार जो है भूमिका अदा कर सकती है। ये हमारी मांग है कि उनको समय पर छात्रवृत्ति मिल जाए, और जो SC ST OBC में जो हॉस्टल हैं और जिनके अधीक्षक जो हैं UR कैटेगरी के अपॉइंटेड हैं उनको हटा के SC ST के लोग ही वहाँ पर रखे जाएं, जिससे कि उनका और अच्छे से ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट में आया है कि वहाँ की जो स्थितियाँ बहुत खराब है। 91 महिलाएं जो PSC में 2017 में SC ST OBC की चयनित हुई थी, टॉपर हुई, UR कैटेगरी में उन्होंने सीट ली, लेकिन सरकार ने उनको ज्वाइन न करा के जो लिया। पूर्व जिलाध्यक्ष अजाक्स जिलाध्यक्ष, मेरी ये मांग है कि छात्रावास आश्रमों में कम से कम 20-20 साल से जो पार्ट टाइम पे लोग काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर SC ST के लोग हैं,
अब उनको आज तक परमानेंट की बात तो अलग है, उनको क्या है कलेक्टर दर का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए इस महंगाई के युग में 4-5 हजार रुपए में क्या होगा, जो कि एक बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा कम उनको वेतन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अपने अपने परिवार को गुजारा बसर कैसे करें। मेरी ये मांग है कि उनको कलेक्टर दर का वेतन तो दिया ही जाए, कलेक्टर दर पे उनको नियुक्ति किया जाए। दूसरे रेट वाले कलेक्टर रेट वाले उनको क्या है नियमित किया जाए। दूसरे जो हमारे सफाई मित्र हैं उनको भी 30-30 साल 35-35 साल हुए, उनको भी क्या है उनको भी वेतन बहुत कम मिल रहा है, उनको भी क्या नियमित किया जाए। वेतन भी समय से नहीं मिलता, वेतन समय पर नहीं मिलता है। छात्रावास में आश्रमों में जो मतलब पार्ट टाइम कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 7-7 महीने से वेतन नहीं मिला है। बताइए एक कर्मचारी अधिकारी को 1-2 महीने वेतन नहीं मिलता, वो पूरा घर तड़प जाता है। इस वजह से ये लोग कैसे पूर्ति करते हैं। मेरे निवेदन है कि कलेक्टर साहब से कहा जाए, निवेदन किया जाए कि वो विभागीय अधिकारियों से कह करके बजट नहीं है तो बजट मंगवा कर उनको सीख जनक वेतन भोगियों को सीख वेतन मतलब क्या है उनको हर माह वेतन दिया जाए। धन्यवाद।